हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। ये है अपना आखिरी दिन, बेसिकली आखिरी डेस्टिनेशन जो हम लद्दाख में कवर करने वाले हैं, एंड दैट इज़ पैंगोंग लेक। जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियोस में अपना दिखाया है कि एक तो मैं आपसे जर्नी शेयर करता हूँ पूरी, एंड दूसरा वहाँ पहुँच के जो नज़ारे लेते हैं वो शेयर करता हूँ। तो इसमें भी कोशिश यही रहेगी, हो सकता है एक वीडियो में भी बन जाए, हो सकता है दो वीडियो में बने, तो वो बाद में देखेंगे जब एडिटिंग पर बैठूंगा मैं। अभी हम वापस डिस्किट में ही हैं, कल वाली वीडियो में भी हम डिस्किट में थे। डिस्किट से तुरतुक गए थे त्याक्षी बॉर्डर एरिया, एंड वहीं से रात में वापस आए थे क्योंकि रोड बहुत अच्छी थी, तो हमने कहा वहाँ रुक के फ़ायदा है नहीं, पैंगोंग के लिए हमें डिस्किट पार करते हुए जाना है, तो इसलिए हम डिस्किट आके इसी होटल में रुक गए थे। काफ़ी अच्छा बना हुआ है, एक बॉय अपना तैयार हो रहा है, एक बॉय अपनी बाइक ठीक कराने गया, कुछ दिक्कत हो गई है, एंड मैं रेडी खड़ा हूँ और आपसे बातें कर रहे हैं। पता नहीं लगा कितनी जल्दी ये ट्रिप ओवर हो गई और आखिरी डेस्टिनेशन आ गई है। अच्छा लग रहा है कि वीडियोस बना पाया हूँ मैं आपके लिए, लेकिन अभी के लिए आप वीडियो एंजॉय करते रहो, देखते रहो, सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं करा तो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करो यार, मोटिवेशन मिलती है। चैनल ग्रो होगा तभी तो मैं आपके लिए नया कंटेंट ला पाऊँगा, तभी तो मेरे पास स्पॉन्सर्स आएंगे तभी तो हम घूम पाएंगे। तो अब नाश्ता करते हैं, जल्दी से निकलते हैं, एंड आपको आगे के नज़ारे दिखाते हैं, बने रहिएगा। अब आपको रास्ता दिखाने के लिए मैंने स्पेशली बाइक रोकी है, ले से जब हम आए थे तो यहाँ से आए थे और ये नीचे की तरफ चले गए थे, डिस्किट हुंदर देन तुरतुक, और ये वाला जो रास्ता है ये जाएगा पैंगोंग को। तो इसलिए नीचे वाला रास्ते पे मैंने कैमरा इसलिए नहीं ऑन करा क्योंकि वो पहले ही दिखा चुका हूँ। तो अब यहाँ से नई वैली के नज़ारे मिलेंगे, देखते हैं कैसे, आपको धीरे धीरे आगे आगे पता लगता रहेगा। अब ये वाला रूट बहुत कम लोग लेते हैं तो इसलिए सड़क की हालत देख रहे हो आप। जस्ट वहाँ से 2 या 4 किलोमीटर ही आया हूँ मैं, जो आपको मैंने मोड़ दिखाया था। नीले नीले अंबर पे चांद जब आए, अब क्या हो गया, उल्टा नहीं पहन सकते, पीछे की तरफ वेट गिरेगा, झटके से नीचे हो जाएगा। हमारे बॉयज रील के इतने ज़्यादा शौकीन हो गए हैं ना कि क्या ही बताऊँ। असल में बात है कि इंस्टाग्राम बड़ा चालू है, इंस्टाग्राम पे अगर आप पहली कोई भी रील डालोगे ना उस पर वो आपको बड़े अच्छे व्यूज़ देगा, तो जैसे ही व्यूज़ मिलते हैं तो बंदा थोड़ा वो हो जाता है, क्या कहते हैं, एक्साइटेड और मोटिवेटेड हो जाता है कि मैं और रील्स बनाऊँगा तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। लेकिन बाद में कोई फॉलोअर्स नहीं मिलते ना व्यूज़ आते हैं, फिर मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा रील्स बनानी पड़ती है अच्छी क्वालिटी की, तब जाके कुछ फ़ायदा होता है। अब ऐसी जगहें देख के, जब हम दिल्ली में बैठ के देखते थे मोबाइलों पर रील्स, तो ऐसी जगहें होती थी, सबने बना रखी है, मज़ा आता था। लेकिन अब हम जब एक्चुअल में यहाँ पे आए हैं तो हम भी यही सोच के आए थे कि हम भी बनाएंगे, लेकिन टाइम का इतना कॉन्स्टेंट रहता है कि हो ही नहीं पाता, और ऊपर से पूरी गियर्स पहन रखी होती हैं राइडिंग गियर्स, तो बहुत मुश्किल हो जाती है कि बार बार उतारो बार बार पहनो, आलस आता है। तो इसलिए मैं तो चलता रहता हूँ, मेरा तो काम हो जाता है यूट्यूब पे वीडियो डाल के गाना लगाएंगे, बढ़िया सा क्या नज़ारे आएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हम कोई रास्ता गलत मुड़ गए हैं और हमें साहिल नहीं मिल रहा, या तो वो गलत मुड़ गया है या हम गलत मुड़ गए हैं, समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे मोबाइल में कोई नेटवर्क भी नहीं है और हमें इतनी देर से कोई बंदा भी नहीं दिख रहा जिससे हम रास्ता पूछ लें, तो वापस हमने गाड़ी मोड़ी है कि यहाँ पे कोई ना कोई बंदा मिल जाए उससे पूछ लें हम। दिक्कत हो गई है, अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी है नीचे, शायद घर हो किसी का, उनसे पूछ के आते हैं। एक बंदा मिला है हमें यहाँ पे नीचे जाके, उससे पूछ के आए हैं और पता लगा हम ही गलत आ गए हैं। ये बात आप भी हमेशा ध्यान रखना कि कभी ग्रुप में चल रहे हो, 2 या 3 का ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है तो चलो कोई टेंशन नहीं, लेकिन 2 या 3 का ग्रुप है तो आगे पीछे चलो और हर मोड़ पे जहाँ पे 2 या 3 रास्ते कट रहे हैं और थोड़ी कन्फ्यूजन है वहाँ पे वेट करो। अब साहिल ने अगर हमारी वेट करी होती तो हम शायद गलत नहीं आते। चलो 20 किलोमीटर आगे आ गए हम, क्या कर सकते हैं। हम यहाँ से चले गए थे ऊपर क्योंकि मैंने ये बोर्ड पढ़ा और वो पढ़ा, वहाँ पे पैंगोंग दिखा नहीं और उधर मेरी नज़र गई नहीं, उधर लगा रखा है पैंगोंग लेक, बताओ इधर भी नहीं लगा रखा, बहुत टाइम ख़राब हो गया। और पता नहीं साहिल पीछे गया है हमें देखने क्योंकि ऑलमोस्ट आधे घंटे का फ़र्क पड़ गया,
या आगे खड़े होकर वेट कर रहा है? 2000 years later. वही है। तो अभी जो आपने रेंज रोवर गाड़ी देखी थी उसमें वो रुबीना दिलायक जो बिग बॉस में आई थी और टीवी एक्ट्रेस है वो थी, और उसका हस्बैंड था रेंज रोवर में। सी की बाइक ख़राब हो गई है, उनकी क्लच वायर टूट गई है, तो सिंपी क्लच वायर डाल रहा है उनकी। मैं ज़रूर सब्सक्राइब कर, हाँ हाँ करना, मोस्ट वेलकम। साहिल अपना फ्रेंड पता नहीं कहाँ चला गया यार, एक तो उसकी हमें टेंशन हो रही है, ऊपर से रास्ते में हमें ये रुबीना दिलायक दिखी। हम चाहते तो बिल्कुल फ़ोटो खिंचा सकते थे, उन्होंने गाड़ी पहले रोक ही रखी थी, कैमरा तो मैंने बाद में ऑन करा था, लेकिन कुछ लोगों की क्लच वायर टूट गई थी बाइक की, तो हमने उनकी हेल्प करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। कोई नहीं, हो सकता आगे पैंगोंग में या किसी ढाबे पे रुबीना जी एंड साहिल दोनों मिल जाएँ। सो नाउ वी जस्ट ट्राई टू कैच अप। पहले हम मोड़ से मुड़ गए गलत, तू खींचे जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा कच्चा रास्ता है और आगे कोई वाटर क्रॉसिंग भी है, दूर दिख रही है मुझे, नॉर्मली लग रही है वो, लेकिन इसमें तो भाई साहब हालत ख़राब हो रही है। ये तो कैमरा मैंने अभी ऑन करा है, पूरा डाउन हिल ही ऐसा है, दो तीन बार में गिरते गिरते बचो। सो दिस इज़ द वाटर क्रॉसिंग, सिंपल सी लग रही है ऐसे तो। अरे बाप रे, पैर हमने चढ़ा लिया ऊपर, अरे बाप रे, ठीक है। ये आज तो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर हो गया, ये भी ठीक है। और एक गाड़ी फंस चुकी है ऑलरेडी यहाँ पे, हम कैसे निकालेंगे? निकलेगी साइड से, निकल गई निकल गई, फिर अड़ गई। छोटी गाड़ियाँ हैं, पावर नहीं होती इनमें, शूज़ भी गीले हो रहे हैं मेरे। चल 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 चल, अब अल्फा सिंह जोर लगाएगा, देखना निकलती है कैसे, गीले हो गए जूते मेरे। अपने खड़े होते निकल गई, वाह, अब अपने साथ एडवेंचर होने वाला। ओहो हो, कहाँ जा रही है वह धन्नो? ये तो बहुत ही खतरा, हाँ ओ माय गॉड, पूरी लद्दाख ट्रिप की सबसे खतरनाक वाटर क्रॉसिंग थी। ओ माय गॉड, पैर सारे हिले हुए, साहिल फंसेगा। साहिल को देख क्या, तो साहिल की बाइक गिर गई है, मैं तभी आया था पीछे। इससे पता लगता है लंबा चौड़ा होने से कुछ नहीं होता। साहिल ढीला रखियो हैंडल, और रेस देता रहियो, हैंडल ढीला रखियो, जहाँ तूने ब्रेक मार दी वहाँ गिर जाएगी बाइक। सीधा कर, क्लच छोड़ क्लच छोड़। ये तो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर हो गया भाई साहब, हद एडवेंचर हो गया। म्यूजिक रिकॉर्डिंग की फिक्र पड़ी है, बाइक गिरा के खड़ा है वहाँ पे, कोई फोटो नहीं जा रहा है, पानी पीने मुझे। A few moments later. सामने रुबीना मैम बैठी है, तो अब हम उनसे बात करके देखते हैं कि वो कैमरा पे आने चाहेंगे या नहीं। ये रुबीना ही थी क्या? वही थी भाई, रुबीना नहीं थी ये, वो तो बोल तो देती करी कोई सीरीज में फुट गया, तो मना कर रही थी। बहुत तगड़ा सीन हो गया है, जिसको हम रुबीना समझ रहे थे वो कॉमन लड़की निकली। अब भाई वो चल, अब वो चल रही रेंज रोवर में है, पीछे उसके इनोवा चल रही है, जगह जगह रुक के फोटोज बन रही है, ये बन रही है, तो यहाँ पे हम रुके। मैंने कहा मैम है ना, यहाँ पे सामने से भी नहीं पता लग रहा, इतने बड़े शेड्स लगा रखे हैं, स्माइल बिल्कुल वैसी डिटो। तो मैंने कहा मैम मैं ना आपकी बहुत रील्स देखता हूँ। कौन सी रील आ गई? अच्छा फिर उन्होंने कहा, उनको शक हुआ कि आप किसकी बात कर रहे हैं, मतलब Whom are you identifying? तो साहिल कहता मेरी मम्मी बहुत देखती है आपका शो, राधिका राधिका छोटी कह रही नाम तो आपने सही पकड़ा है, कह रही नाम तो राधिका ही है, पर वो नहीं है, कैरेक्टर के वो नहीं है, फिर भी फोटो खिंचा लिया हमने खड़े। इतना तगड़ा नहीं कटा आज तो, मतलब एडवेंचर के साथ साथ ना फुद्दू भी कटा ये भी है यहाँ। हाँ कह रही सर हम देख रहे, हमने पूछा सर सर का, और ऊपर कह रहे वोट दिए मैंने, कौन कह रहा वोट दिए ये मैंने, कह रहा मैं बस वोट दिए। ओ भाई साहब, जैसे ही पता लगा वो नहीं है, मैंने कैमरा ही नीचे रख दिया, वो अपने कैमरे से फोटो खिंचा के चले गए हमारे साथ। हाय गाइस, पैंगोंग के रास्ते में हमारे साथ पैंगोंग हो गया, हम चाय पी रहे और हंसे जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें, वो भी क्या सोच रही होगी सिंपी ने
अपना फोन दे दिया कि फोटो खींच लो, पता लगने के बाद भी, पता लगने के बाद भी कि नहीं है वो। अभी मांगेंगे हमारी फोटो भी साथ में, मत मांगना फिर। हम क्यों मांगेंगे? ठीक है फिर, हम तो नहीं मांगेंगे। ब्लॉग में डलने की फोटो जो कौन थे सारे पकड़ लेगा, फोटो अब आएगी ना इसलिए डलेगा। मेरे को खांसी हो रही है बड़ी तगड़ी, और एक तो हंसी आई जा रही है और ऊपर से खांसी आई जा रही है, समझ नहीं आ रहा। गाइस देखो इतनी ऊपर एक बड़े से पत्थर पे लिखा है हॉकी इज माय हॉबी। सिमपिंदर हमारा खिलाड़ी है तो ये देख के खुश हो गया, बट हॉकी इज योर प्रोफेशन नॉट हॉबी। वंस इट वाज माय प्रोफेशन टू, बट नाउ इट इज माय हॉबी। नाइस, लेट्स गो। चेक द माइक एंड मेक श्योर इट साउंड राइट बॉयज। गाइस हमने एक छोटी सी ब्रेक ली है क्योंकि मेरे को खानी पड़ी है दवाई, मेरी बॉडी एक और है और चेस्ट में बहुत कंजेशन है। एंड सिंपी ने भी मौका देख के खोल दिया अपना तामझाम। दो तीन बार तो हम एक्सपेक्ट करते हैं इससे, तो ये दूसरी बार है, अभी एक बार और हो सकता है। चलो पहली बार एवरेज बता रहा हूँ मैं उनको। जरा अब जूते सब खोल दिए, अभी भी हमें डेढ़ घंटा लग जाएगा पेंगोंग बॉस्ट में, 6 बज जाएंगे, 6:30। चलो मिलते हैं आगे। चाइना की तरफ बढ़ते हुए हम कल हम पाकिस्तान बॉर्डर पे थे, दूसरी साइड तुर्तुक, एंड आज हम चाइना बॉर्डर पे हैं। पेंगोंग से 20 या 30 किलोमीटर पहले रास्ता एकदम स्मूथ हो जाता है, मक्खन, और नज़ारा देख लो आप, क्लाउडी हो रखा है तो अलग टाइप का नज़ारा, थोड़ा बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं ऊपर, ग्लेशियर, ग्रीनरी मेरे राइट साइड पे, और मेरी फटी सी आवाज। वेरी नाइस, कर्वी रोड है, वेरी कर्वी, मज़ा आ रहा है। देखो जी रुबीना दिलैक मैडम ले गई अपनी रेंज अंदर। इन्हीं को रुबीना समझ रहे थे हम, निकली कोई और ही है। वाओ गाइस हैशटैग नज़ारे ले लो, घोड़े फील्ड में, ये पहाड़ और ये मौसम, और ये साहिल के लिए एक रील शूट कर रहे हैं हम। सिंपी मेरे पीछे बैठेगा और साहिल का आगे से शॉट आएगा। वेरी नाइस गाइस, पहली झलक अपने को देख के ही है पेंगोंग की। ओए होए 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 होए,